अंकल जी मेरी तरफ से दिवाली तोहफा आपके लिए, क्योंकि अंकल कितने इस टाइम तादाद में लोग बढ़ गए हैं जो भीख मांग रहे हैं और मानते नहीं है, उनकी आदत सी बन चुकी है अब, आदत बढ़ गई। तो दोस्तों देखो 72 साल के अंकल जी क्या त्योहार कैसे मना रहे हो दिवाली का। ये मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली दीदी, हैप्पी दिवाली दीदी। दिवाली कैसी बनाओगे दीदी इस बार? जैसी मन जाए। सिंपल सिंपल जैसे बनाते हो। बेटा ये लो मम्मा को दे दो, हैप्पी दिवाली। हमेशा खुश रहना, मस्त रहना, कोई टेंशन लेने ली टेंशन लेके कुछ हासिल नहीं होगा दीदी जिंदगी में। जैसे हंस रहे हो ना ऐसे हंसते रहना जिंदगी भर। हैप्पी दिवाली दीदी, बाय बेटा, लव यू, बाय बेटा। क्या बात है, गोलू बोलू घुम घुम घुम। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो? हैप्पी दिवाली। क्या हो गया? मैंने देखा गाड़ी से जा रहा था आपकी, कोई इसमें दिक्कत आई थी, क्या हो गया? चैन लग गई है अब। क्या क्या काम करते हो अंकल जी आप? कबाड़ी का काम करते हो। उम्र कितनी है आपकी? 72 साल के हो। इस उम्र में भी काम कर रहे हो दमखम के साथ, क्या बात है अंकल। ये लो मैं आपको दिवाली तोहफा देने आया हूँ, एक मिनट। अंकल जी मेरी तरफ से दिवाली तोहफा आपके लिए, खुश रहो अंकल जी। बाकी इस उम्र में आप काम कर रहे हो, मिसाल पैदा कर रहे हो। नौजवान लड़कों के लिए क्या करोगे जो घर बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, रोडों पर भीख मांगते हैं, क्या कहोगे उनके लिए? क्या काम बता सी कुछ कुछ उनको सीख देना चाहते हो, कुछ ज्ञान देना चाहते हो? सीख तो देंगे जी, सीख क्यों ना देंगे, मानता कोई नहीं है, सीखता हम तो रोज दे देते। क्योंकि अंकल कितने इस टाइम तादाद में लोग बढ़ गए हैं जो भीख मांग रहे हैं और मानते नहीं है, उनकी आदत सी बन चुकी है अब, आदत बढ़ गई। तो दोस्तों देखो 72 साल के अंकल जी हैं। मैं रुका कुछ, मेरे को लगा रेडी में कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, रुक अंकल नीचे बैठे हुए थे तो अंकल ने बोला चैन उतर गई थी। 72 साल की उम्र है अंकल जी की, इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। अंकल जी को सलाम है, लव यू अंकल जी, मजा आ गया। नमस्कार दीदी, कैसे हो? ठीक हो? हैप्पी दिवाली। क्या त्योहार कैसे मना रहे हो दिवाली का? आप बताओ कैसे बना रहे हो? मतलब किस तरीके से, जनता को बताओ किस तरीके से मना रहे हो? घर पे बच्चों के साथ खाना वाना खा के? हाँ। बस सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से तो बनाएंगे। समझ गया समझ गया, अपना काम है दीदी। हाँ। अच्छा कितना डेली का कितना कमा लेते हो? 150। अच्छा 150 के आसपास। हाँ। घर चल जाता है? घर तो कहाँ नहीं चल पाता, दिक्कत आती है। अच्छा 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 अच्छा, कितनी उम्र है दीदी आपकी? 45 साल के हो आप। अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ। बच्चों को पढ़ाई करवानी है, ये काम नहीं करवाना। हाँ। ठीक है ना, प्रॉमिस। हाँ। मैं दिवाली देने आया हूँ आपको। मैं ये मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली दीदी, हंसना है, खुश रहना है, टेंशन नहीं लेनी। हाँ। और टेंशन लेके कुछ हासिल भी नहीं होगा। हाँ। बच्चों को पढ़ाना है बस। हाँ। हैप्पी दिवाली दीदी, हैप्पी दिवाली। ये बच्चा किसका है? आपका ही है भाई। पैर में क्या हो बच्चे के? ये तो पता नहीं, अब केंद्र तो कुछ लग गया। हैप्पी दिवाली दीदी, दिवाली कैसी बनाओगे दीदी इस बार? सिंपल सिंपल जैसे बनाते हो। बेटा ये लो मम्मा को दे दो, हैप्पी दिवाली। दीदी लेकिन बच्चे का पूरा ध्यान रखो, ठीक है? चोट भी लगी हुई है और नंगे पैर भी है दीदी। ठीक है दीदी, हैप्पी दिवाली। हाँ। हमेशा खुश रहना, मस्त रहना, कोई टेंशन लेने ली टेंशन लेके कुछ हासिल नहीं होगा दीदी जिंदगी में। जैसे हंस रहे हो ना ऐसे हंसते रहना जिंदगी भर। ये बुआ है, इनकी मम्मी खत्म हो गई। अच्छा ये इनकी बुआ है, इनको ये पाल रही है? हाँ, हम पाल रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो आंटी बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो, धन्यवाद। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली दीदी, बाय बेटा, लव यू, बाय बेटा। क्या बात है, गोलू बोलू घुम घुम घुम।